Hello dear students, I do hope you fit and fine. Before start day, we let's take our class. I spin the core command to be visualize and bear in mind at all times and next to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID approachable behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance for 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win his fight against COVID-19. Thanks. Today I will explain show Punjabi. पंजाबी ग्रामर बुक भारती चानण बेटा पिछली अपने जूनी टेस्ट कंप्लीट किया पिछली असाइनमेंट से भी अपने लैसन नंबर 1 एंड लैसन नंबर 2 बोली जा भाषा से व्याकरण अज आपने करना है अखर बोध या वर्ण बोध ठीक है अखर बोध या अखर वर्ण बोध सेम ही है अखर बोध हुंदा की है इसकी एग्जाम्पल ठीक है अखर बोध या वर्ण बोध व्याकरण का पहला अंग या भाग है अपने पहला पढ़े से व्याकरण के चार अंग होंगे ठीक है उस अखर बोध है पहला अपने अखर बोध पढ़ना है पहला अंग है अखर या वर्ण की सब तो छोटी इकाई होंगी है अखर होंगे ना एक अक्षर लिख दिया अखर बोध व्याकरण का वह अंग या भाग है जिस अखर या वर्ण लगा मात्रा मतलब अखर के नियम बारे जानकारी मिलती है अखर या वर्ण किसी भाषा को लिखती रूप प्रदान करने कुछ चिन्ह दिए जाते हैं इन चिन्हों को ही अखर या वर्ण आखते हैं अखर की सब तो छोटी इकाई होंगी है ना इसके अगे होर भागों में वंडिया जाता है पंजाबी भाषा लिखती रूप देने 35 चिन्ह भाव 35 अखर की वरतों की जाती है यह 35 अखरी ऊड़े तो लैके ऊड़े तो आड़े तक हैं ठीक है ये 35 अखर अगे अगे लिपि हाँ जी प्यारे बच्चे जिमें कि पहले दसया गया है कि किसी भी भाषा को लिखती रूप देने कुछ चिन्हों की वरतों की जाती है ना चिन्हों के रूप में इन्हें यही चिन्ह लिपि के रूप धारण करते हैं भाषा को लिखती रूप देने लिपि बनी है भाषा के लिखण के ढंग में ही लिपि आखते हैं ठीक है हरेक भाषा की अपनी वक्री लिपि होती है पर पंजाबी भाषा को लिखण लई गुरमुखी लिपि ढुकमी है हाँ जी गुरमुख लिपि है कि ठीक है मतलब कह लो तुसीं कोई भी अपन ने पंजाबी लिखनी है तो एक तरह व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध तो लिखती बोलने के कुछ नियम बनाए जाते हैं ठीक है तो ये जी ऊड़े तो लैके राड़े तक सारे वर्ड वैसे 35 अखरी गुरमुख लिपि में 35 अखरी भी बोलते हैं बट ऊड़े तो लैके नहीं है तक राड़े तक ये सारे 35 अखरी हैं जोड़े 6 और जुड़ जाते हैं ये इन्हों 41 हो जाती इन्हों की गिनती बट जी पंजाबी भाषा में ढुकमी लिखने लिए गुरमुखी लिपि ही ढुकमी है गुरमुखी पंजाबी भाषा की अपनी लिपि गुरमुखी है यह लिपि पंजाबी भाषा को लिखने लिए बिल्कुल ढुकमी 35 अखर हैं इसलिए इसमें 35 या 35 अखरी भी किया जाता है ठीक है नैक्सट है मतलब कह लो पंजाबी भाषा के 35 अखर इन अरबी फारसी दुनिया अंकित करने जी 5 अखर का तालवी आवाज करने एक होर अखर शब्द भी अंदर जोड़ा गया है इस दिन की जी गुरमुखी लिपि 41 हो गई है थोड़ा पता है ना सस्से पैर बिंदी गगे पैर बिंदी जजे पैर बिंदी फफे पैर बिंदी ये सारे की इन्हें शब्दों लै लला धुनी ताल आवाज देने लै दे पैरी बिंदियां लगा के वरतों की जाती है इसलिए गुरमुखी के अखर की गिनती जी 41 हो जाती है ठीक है हाँ जी नैक्सट है बेटा अखर या वर्णा की किस्म अखर या वर्ण दो हिस्सों में वंडे जाते स्वर्ण अखर ते व्यंजन ठीक है स्वर अखर स्वर अखर कड़े होंगे पहले ऊड़ा आड़ा इड़ी ये की अपने स्वर अखर है ठीक है इन्हों तो मात्रावं बन दियाँ आ ऐडा ऐड कर आ ई ऊ ओ ये तो 10 अक्षर से बनते हैं ठीक है स्वर अखर चिन्ह लगा के 10 स्वर धुनिया बन दिया ठीक है स्वर अखर कड़े होंगे ऊड़ा आड़ा इड़ी तो जिहड़े अगे व्यंजन आ सस्से तो लैके राड़े तक जिन्हें भी अखर आ सारे व्यंजन आ ठीक है ये 10 अक्षर ये 3 अक्षर स्वर अक्षर जिन्हों तो आप 10 धुनिया बनदिया हैं ठीक है व्यंजन दर भी अनुनासक अखर अनुनासक होंगे जिन्हों की आवाज उच्चारण समय नक आवाज आती हो बोलते हैं अनुनासिक अखर बोले जाता है ये 5 अक्षर होंगे ऊआ नईया नाणा नन्ना नमामा ठीक है उस तो बाद दुत अखर जेडे दुत अखर होंगे जो दूजे अखर के पैरों में पैदे हैं हाहा पैर च पा रारा भी तो वाहवा भी ठीक है ये हो गया अपने अखर अखर बोल या वर्ण बोल समझ लग गई बेटा हुण आपां करदे आं नैक्सट
लगा मात्रा मतलब लगा अक्षर, ठीक है, लगा मात्रा मा अखरां जां वर्ण, अखर ते वर्ण अपने पढ़ लिया की हुंदे आ, कल्ले रूप विच शब्दां दी रचना नूं सही रूप नहीं दे सकदे, इन्हां नूं सही धुनी विच लिखण लई लगा दी लोड पैंदी है। हुण देखो स्वर्ण दा अखर अपने पढ़ लिया की हुंदे आ, जिवें ऊड़े तों लेके राड़े तक सारे, पर इन्हां नूं आपां कल्ले नहीं लिख सकदे, इन्हां लई आपां नूं स्वर लगा मात्रा मा दी जरूरत हुंदी है, उह लिखणा जिवें पढ़ोगे दे एग्जाम्पल लगा मात्रा मा छोटे छोटे स्वर चिन्ह हैं जिन्हों की वरतों करन नाल हुंदी है, इन्हां छोटे छोटे चिन्हों तो बिना शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप में नहीं हो सकता। गुरमुखी लिखी दस लगा की वरत की है, मुक्ता, मुक्ता पता सारे नूं, मुक्ता करना, सियारी बियारी, औंकड़ दुलैंकड़, लामा दुलामा, हूड़ा कनौड़ा, ठीक है। हुण इह कह लो जिवें मुक्ता दो अखरां वाले, कन्नां नाल सियारी तुहानूं पता ही है सारे नाल लग के, मतलब आपां कोई भी जिवें पंजाबी च लिखदे हां तां सारियां लगा मात्रां दी वरतों हुंदी है, ठीक है। नैक्सट है, हांजी बेटा लगाखर, लगाखर की हुंदे आ, लगाखर शब्दां दे शब्दां दो शब्दां दे मेल लग प्लस अखर तों बणदा बणिया है, लगाखरां दी वरतों सारे शब्दां विच ही हुंदी है, शब्दों नूं शुद्ध रूप विच लिखण लई लगा नाल छोटे नाल जिहड़े छोटे छोटे सहायक चिन्हां दी वरतों हुंदी है उस नूं लगाखर आखदे आ। जिवें कह रहे हो तुसीं हुण स्वर भी पढ़ ले पूरे तक राड़े तक सारे स्वरां, ठीक है, उस तों बाद जिहड़े अपनी लगा सीगियां लगा मात्रावां ਉਹ ਸਿਆਰੀ ਬਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਲਗਾਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅਦਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਲਗਾਖਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲਗਾਖਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲਗਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਹਾਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਖਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਖਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਖੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅਦਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਿੰਦੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ, ਕਾਂ, ਗਾਂ, ਸ਼ਾਂ, ਗੇਂਦ, ਸੈੱਟ, ਔਂਕੜ ਆਦਿ। ਟਿੱਪੀ, ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਦੀਦੀ ਵੀ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਅੰਬ, ਸੰਗ, ਸਿੰਘ, ਮੁੰਡਾ, ਮੁੰਡਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਦਿ। ਅਲਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਕ, ਇੱਕ, ਹਿੱਕ, ਰੁਕਣਾ, ਨੱਕ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਅਦਕ, ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਰਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅਦਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਵੰਡ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਆਦਿ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰਾਂ ਲਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ, ਕਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਕਣਕ, ਮਟਰ, ਬਟਨ ਆਦਿ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ, ਲੈਗਾ ਮਾਤਰਾ ਮਸੀ ਆਈਗੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਲਗਾਖਰ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਟਿੱਪੀ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਕ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਿਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਥੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ, ਮੇਜ, ਸਕੂਲ, ਚਾਹ ਆਏ ਸਾਰਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਨਿਆਰਥਿਕ। ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਇਹ ਨਿਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਟੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗੇ, ਧਾਣੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗੇ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ, ਮੇਜ, ਮੂਜ, ਸਕੂਲ, ਸਕਾਲ, ਚਾਹ, ਝੂ,
बोलते ना चाह चू पीला है ना, इन्हें कोई इन अर्थिक शब्द ना कोई अर्थ नहीं, चाह बोलूंगे तो ठीक है, इन्हें रोटी धानी मेज मूह जिसका जू जा सारे निर्थिक शब्द हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, इतने का अपना क्लियर है। नेक्स्ट है आर्थिक शब्द ने किसना, आर्थिक शब्द 8 प्रकार के होंगे, नाम प्रणाम विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया संबंधक योजक विषमक। ये थोड़ा सारे ने पता, आप सारे ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, नाम की हुंदा प्रणाम ये सारे की हैं शब्द बोध दिया है किस्मा हन। ओके हाँ जी बेटा, इतना अपना क्लियर है। तुम ना अच्छे तरीके नाल बुक तो रीड कर लियो, जी मैं तुम्हें पीडीएफ भेजूंगी, तुम उन्होंने नोट डाउन कर लिया, नोटबुक से प्रॉपर लिखी होनी चाहिए नोटबुक के वाले क्वेश्चन। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस।